Good morning, students. In the last class, we were discussing about the South African Constitution. Let's see what happens. The South African Constitution inspires democracy, democrats all over the world. Pura world ka democrats ko inspire karta hai, motivation karta hai. Itna acha constitution banaya tha South African. A state denounced, a state abhi tak jo state ko पूरा वर्ल्ड ने रॉन्ग डिक्लेयर किया था, डिनाउंस मतलब डिक्लेयर्ड रॉन्ग. अभी तक उधर के जो प्रेजुडिस, रेशियल प्रेजुडिस चल रहा था, उनके वजह से साउथ अफ्रीका को पूरा वर्ल्ड ने डिनाउंस किया था, बुरा माना था वर्ल्ड ने. वो कैसे डिनाउंस किया था? एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक बॉन्ड इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. मोस्ट अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कंट्री मानने वाले साउथ अफ्रीका को अभी वर्ल्ड ने एक डेमोक्रेसी का एक मॉडल, सबको फॉलो करने वाले एक मॉडल जैसा मानने लग गया. इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, व्हाइट एंड ब्लैक का इक्वालिटी दिखाते हुए, ना किसी को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस, ना किसी को सॉरी नेग्लिजेंस भी नहीं. व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. उधर का लोग काले हो सफेद हो मिक्स हो सब कुछ डिटर्माइंड थे कुछ करने के लिए कि एक अच्छा डेमोक्रेसी बनेगा. वो डिटर्मिनेशन, वो विल पावर, वो ही रीजन है इसका. अफ्रीका सॉरी डिटर्मिनेशन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस विद द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन. और पास्ट का बिटर एक्सपीरियंस को से सबक सीखकर एक रेनबो नेशन बनेगा. क्या रेनबो नेशन? एक नेशन इन विच ऑल द पीपल, ऑल द टाइप ऑफ पीपल, दैट इज ब्लैक हो व्हाइट हो मिक्स हो, All will live together in harmony. इसको कहते हैं रेनबो नेशन. तो आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, what is rainbow nation? A nation in which all type of people, whether black or mixed or Indian or everyone, will be having equal rights and equal powers and they will be living in harmony. तो एक रेनबो नेशन बनाएगा. Speaking of the South Africa Constitution, Mandela says, The Constitution of South Africa speaks of both the past and the future. South Africa का Constitution past के बारे में, future के बारे में बताने वाला एक Constitution है. On the one hand, it is a solemn fact in which we, solemn मतलब very serious fact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our past. इसमें ये बता रहा है कि हमारे एक एक जनता, एक एक लोग ये decide किया कि हम हमारे past में जो बुरे चीजें हुआ है इसको रिपीट करने नहीं देंगे. परमिट रेपिटेशन ऑफ रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब जो भेदभाव हुआ था उधर रंग के ऊपर. देन ब्रूटैलिटी, ज्यादा ब्रूटैलिटी मतलब क्रुएल्टी हुआ. एंड रिप्रेसिव पास, रिप्रेसिव पास मतलब बाय फोर्स एक दूसरे को कंट्रोल करना. इस तरह का जो बुरे चीजें जो हमारे पास में हुआ था इसको हम किसी भी कंडीशन में आगे बढ़ना नहीं देगा, स्टॉप करेगा फॉर ऑल एंड विल नॉट बी फॉलोड. बट इट इज मोर देन दैट, इट इज ऑल्सो ए चार्टर. चार्टर मतलब एक रिटर्न टाइप पावर ऑफ लोगों को बताते हुए एक रिटर्न चीज होता है. इट इज ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री, चेंज ऑफ अवर कंट्री इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल. अभी तक कुछ सेक्शन के लोगों के हाथ, कुछ एक सेक्शन के लोगों के हाथ में थे पावर, वो अभी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके चेंज होके पूरा लोग, जितना भी लोग उधर है उन सबके हाथों में आ जाएगा. ए कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस पूरी तरह से बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, हम पूरे सबका एक कंट्री बन जाएगा साउथ अफ्रीका. वेदर इट इज ब्लैक व्हाइट वीमेन एंड मैन, चाहे जेंडर इनइक्वालिटी में ना हो, रेशियल इनइक्वालिटी में ना हो, हर तरह से इक्वालिटी, किसी तरह का इनइक्वालिटी नहीं हो, इस तरह का एक कंट्री होगा साउथ अफ्रीका. व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? इज इट रियली रिक्वायर्ड? सो दैट द आंसर टू दैट क्वेश्चन विल बी गिवन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका. The South African example is a good way to understand why we need a democratic constitution. A constitution kyun zaruri hai South Africa se hame sabak seekhna hai. And what do constitution do?
और एक कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री के लिए क्या भूमिका निभाते हैं या क्या हेल्प करते हैं। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, ऑप्रेसर मतलब जो दूसरों को बैडली ट्रीट करते हैं, एंड जो ऑप्रेस्ड है जो इस पीड़ा सहने सहते हैं। इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वी प्लान टू लिव टुगेदर एज इक्वल, जो अभी तक दूसरों को पीड़ा देते थे दैट इज द वाइट पीपल, और जो पीड़ा सह रहे थे दैट इज द ब्लैक पीपल, दोनों मिलकर एक दूसरे को से पीसफुली रहने का रहने वाला है अभी से यह प्लान कर रहा है। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, बट बोलने से कुछ नहीं होगा, पता नहीं कल क्या होगा। एक दूसरे से ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं है, कल क्या पता मेजोरिटी की वजह से ब्लैक पीपल वाइट पीपल को ऑप्रेस करे, या पता नहीं वाइट पीपल वापस दोबारा पहले जैसा हो जाए। तो इसके लिए कुछ लिखित नियम होना जरूरी है। दे हैड देयर फियर्स, दोनों सेक्शन को वाइट लोगों को और ब्लैक पीपल को भी अपना फियर्स थे मन में। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था उन लोगों को, क्योंकि किसी के वर्ड्स पे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं था। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन वेरी श्योर मे बार श्योर टू मेक श्योर दैट टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज। देखो वाइट को पूरी तरह से आजादी या इक्वालिटी देने के टाइम पे डेमोक्रेसी का मेन एसेंस होता है मेजोरिटी रूल, और मेजोरिटी रूल पर कोई समझौता ना हो। ये नहीं कि वाइट लोगों को पावर मिले और वो लोग नहीं, पावर नहीं मिले वाइट लोगों को माइनॉरिटीज की वजह से। डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल होता है मेजोरिटी रूल, उसको ऊपर समझौता ना हो जाए, ये ब्लैक पीपल का एक डर था। दे वांटेड सब्सटैंशियल मतलब बहुत ज्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, उनको सोशल और इकोनॉमिक राइट की जरूरत है ब्लैक पीपल को, ये था ब्लैक पीपल का डर। और वाइट का देखो, द वाइट माइनॉरिटी वॉज वेरी कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, उनका जो हक अभी तक जो मिलते थे वाइट लोगों को, जो प्रॉपर्टी उनके पास है, जो घर वगैरह उनके पास है, ये सब उनको प्रोटेक्ट करना था। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारा बात करने के बाद एक समझौता पे पहुंच गया वो लोग। वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड देयर इज वन पर्सन वन वोट, तो वाइट लोगों ने ये इस पर सहमत हुआ कि सबको वन वोट, ये सहमत हो गया। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, और पुअर और वर्कर्स को भी सम राइट पे एग्रीमेंट हुआ। द ब्लैक एग्री दैट मेजोरिटी रूल विल नॉट बी एब्सोल्यूट, और वाइट ने भी ये ब्लैक ने एग्री किया कि दो मेजोर डेमोक्रेटिकली रूल करेगा तो हम वाइट को किसी तरह के मतलब ब्लैक का ही एक एब्सोल्यूट रूल नहीं बनेगा, एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा। दे एग्रीड दैट इफ मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, ठीक वाइट माइनॉरिटी के पास जो भी चीज है उसको किसी तरह से छीना नहीं जाएगा, उनका प्रॉपर्टी उनके पास ही रहेगा। द कॉम्प्रोमाइज, ये समझौता वॉज नॉट ईजी, बट ऐसे बोलने से क्या होता है, नहीं दे डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर, सो व्हाट शुड बी डन, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी फ्रेम्ड। How was this compromise going to be implemented? ये कैसे implement होगा? Even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? क्या पता ये future में टूट ना जाए? तो क्या करना है? The only way इसका लिए solution एक ही है। The only way to build and maintain trust, trust को maintain करने के लिए एक ही तरीका है। That is in such a situation is to write down some rules of the game. That everyone would abide by, everyone will follow. तो ये जो भी चीजें हैं जो करना है, जो do's and do not, जो अभी सोच रहे उसको लिखो और पूरा कंडी उसको फॉलो करो, तभी कल कोई इसका वायलेशन होता है तो दिखा सकते हैं कि ये है रूल ये है, ताकि किसी को भी पावर मिले वो अपने हित के हिसाब से अपने मर्जी के हिसाब से रूल ना करें। These rules trailed down how the rulers are to be chosen in future. So future में ये rules, set of rules एक country follow करने वाला, उसमें ये बताया जाएगा कि कल वो किस तरह rulers को choose करेगा। These rules trailed down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. So इसमें ये भी लिखा है कि एक गवर्नमेंट जो इलेक्शन द्वारा आते हैं उसको क्या क्या पावर है, एम्पावर होंगे उनके पास क्या क्या पावर होगा, क्या क्या करने का और क्या क्या वो लोग नहीं कर सकते। फाइनली दिस रूल डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन, और इसमें ये भी लिखा है एक देश का नागरिक सिटीजन के क्या क्या हक होता है, क्या क्या राइट होते हैं।
These rules will work only if the winner cannot change them very easily. But ये rules ऐसा होना चाहिए जीतने वाला इसमें amends या changes easily न लाए. This is what the South Africans did. यही South Africans ने किया. क्या किया उन्होंने? They agreed on some basic rules. कुछ rules बने उन्होंने और उसको लिखित रूप में किया. They also agreed that these rules will be supreme. और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो rules है वो सबसे supreme होगा, सबसे important होगा. That no government will be able to ignore this. कि कोई भी government जो आगे आए, आज से आए, वो इसको नजरअंदाज ना करे. This set of basic rules is called a constitution. इस तरह लिखा गया rules that a country and a government and the people should follow is known as constitution. इसका definition और easy language में अनेक paragraph में आ रहा है. Okay. Constitution making is not unique to South Africa. एक special thing for South Africa के लिए नहीं है ये. Every country, देखो only South Africa के लिए नहीं है ये constitution. Even एक country के लिए भी नहीं है. Every country has diverse groups of people. We take the condition of India also. जब ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरल तमिलनाडु में से देखेगा तो we have diverse type of people. सब लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे एक ही जैसा लेके जाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना वेरी इंपॉर्टेंट है. देयर रिलेशनशिप मे नॉट बी हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका. बट पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो डाइवर्स तरह के लोग थे उनका बीच का जो रिश्ता उतना खराब नहीं हुआ होगा जितना साउथ अफ्रीका के ब्लैक और व्हाइट के बीच में हुआ था. मतलब एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हुआ था साउथ अफ्रीका के व्हाइट और ब्लैक के बीच. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंटरेस्ट. दुनिया भर के लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं. वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल्स. चाहे वो डेमोक्रेटिक हो ना हो, दुनिया के सारे कंट्रीज में सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने के लिए और वो भी लिखित हो तो उतना अच्छा, वो होना जरूरी है. This applies not just to governments, even governments नहीं. Any association need to have its constitution. किसी association, किसी group, जैसे Lions Club, जैसे कोई club हो, कुछ भी हो, वो लोगों को भी पास एक कुछ rules होगा follow करने के लिए. It could be a club in your area, a cooperative society, कोई cooperative society हो, कुछ farmers का cooperative society हो, उसमें भी होगा लिखित नियम है. हर एक political party, एक एक political party, let it be BJP or Congress हो, whatever, whichever party will be, they'll be also having some set of rules to be followed. It is known as constitution. They all mean a constitution. So the clear-cut definition of constitution is, the constitution of country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. So country ka sab logon dwara palan kiya jayega, agreed kiya gaya, rules ko kehte hain constitution. So hope it's clear for you. The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Okay? Constitution is a supreme law that determines the relationship among people living in a country. एक कंट्री में रहने वाले लोग एक दूसरे से कैसे रहे, उनका राइट क्या होता है, ये सब डिटरमाइन करने वाला एक चीज है कॉन्स्टिट्यूशन. And also the relationship between the people and government, or log or government ka bhi relationship determine karne wala cheez hota hai constitution. It has many things. A constitution ka main ingredients kya kya hota hai, dekho main things kya hota hai. First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. Ek tarah ka aapas mein sab log ko trust hona chahiye, ek coordination hona chahiye, miljul kar rehna hai. ये इसमें बता रखा है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. अलग अलग तरह के लोगों को रहने के लिए एक तरह का डिग्री ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन यूनिटी होना चाहिए. सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. एक गवर्नमेंट किस तरह फॉर्म होगा, क्या क्या होगा उसमें, हु विल हैव पावर टू टेक सच डिसीजन, और किसको क्या क्या पावर है, कौन कौन सा डिसीजन लेने के लिए, ये सब रिटर्न होगा. थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का पावर कहाँ कहाँ तक सीमित है. एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन आर, एक देश के नागरिक का क्या पावर्स होता है ये भी ये बताते हैं. एंड द लास्ट इज, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन
एक आकांक्षा या होप लोगों का ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, एक गुड सोसाइटी बनाने का होप ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं. All countries that have constitutions are not necessarily democratic. So, जितना भी countries दुनिया में हो सब कुछ democracy होना जरूरी नहीं है, but सारा countries में constitution होना जरूरी है. But all countries that are democratic will have constitution. After the war of independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. So, American लोग Great Britain के against जो war हुआ था उसके बाद उन्होंने अपने आप का एक constitution बनाया. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. French revolution के बाद French में भी एक democratic constitution हुआ. Since then it has become a practice in all democracy to have a written constitution. So इसके बाद near about 200 countries से हमारे देश में इसमें सारे countries, ज्यादातर countries written constitution, written लिखित constitution follow करने लगा. So, वो भी clear for you the examples of South Africa and all. Now let's see our own constitution. So 1950s में after independence में form हुआ था. इस framework के लिए हमारे नेताओं ने कितना struggle किया है, क्या क्या basic चीजें रखा है, क्या क्या included है, इसके बारे में let's see. Like South Africa, we all know, we were also South Africa condition black white का, तो हमारा इधर Britishers के अधीन में थे हम. India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. आपको मालूम इंडिया में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, different different caste, different religion, different linguistic people. तो एक देश में इस सबको satisfy करके एक constitution बनाना, एक देश जैसा, एक diverse देश जैसा इंडिया, it is very very difficult. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. जैसे मैंने बताया, इतना जैसा बड़ा country, इतना पॉपुलेटेड कंट्री, इतना लिंग्विस्टिक, इतना रिलीजन वाले इस कंट्री में एक डेमोक्रेसी बनाना इट्स नॉट ए चाइल्ड गेम, इट वाज अ हर्कुलियन टास्क, ए ग्रेट टास्क. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब किसी और दूसरे के अधीन में रहना, दैट इज वी वर द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पीपल, हम ब्रिटिश के अधीन में थे. टू दैट ऑफ ए सिटीजन, सिटीजन मतलब फ्री पीपल, आजाद पीपल. पहले हम ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट से, उसके बाद हम एक फ्री सिटीजन बन गया. द कंट्री वॉज ब्रॉन थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. आपको मालूम है दी इंडियन एंड पाकिस्तान जो पार्टीशन होता वो मेक थे, और 1947 के बाद जो रिलीजियस फाइट हुआ था इंडिया में उसके वजह से वी वर फोर्स टू फॉर्म ए डिफरेंट कंट्री बेस्ड ऑन अ रिलीजन. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience, was a deeply disturbing, बहुत ही disturbing situation था. Experience for the people of India and Pakistan. ये तो बहुत ही disturbing experience था बहुत people के लिए. इधर का बहुत सारे लोग मुस्लिम उधर चले गया, उधर का बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के इधर आना पड़ा. इस तरह का बहुत सारा depressive, depression लाने वाला या disturbing चीजें हुआ था उसका. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition-related violence. So, partition से जुड़ा हुआ violence से, at least 10 lakh people were killed. There was another problem. ये भी नहीं, दूसरा ही problem था. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. So, जाते जाते Britishers ने हमारा ये जो ruling है और प्रॉब्लमेटिक करने के लिए उन्होंने जाते जाते बोला, इधर कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद जैसा कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ये राइट दिया उनको कि आप लोग का मर्जी है, इफ यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान यू कैन जॉइन विद पाकिस्तान, इफ यू वांट टू जॉइन इंडिया यू कैन जॉइन इंडिया, या आप इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर रहना चाहते तो रह सकते. बट इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट इमेजिन, हैदराबाद जो साउथ में है वो अगर चाहते कि पाकिस्तान के साथ मिले या वो इंडिपेंडेंट कंट्री की जैसा रहे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हाउस टू फॉर्म ए पावरफुल कंट्री फॉर इंडिया. तो ये एक बड़ा टास्क रहा इंडियन रूलर्स के पास कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज ए डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. और इस प्रिंसली स्टेट को हमारे इंडियन मेन प्लान के साथ मर्ज करना पॉलिटिकली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. आज हम जितना दिख रहे हैं उस तरह का कंडीशन नहीं था
इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा कंट्री बहुत ही इनसिक्योर थे, हम कंगाल हो गए थे उस टाइम से जो ब्रिटिशर्स हमें इस तरह कर दिया था. तो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जायटी, दे हैड वरी कि ये बनाते समय क्या फ्यूचर में ये देश के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. तो बहुत सारा मीटिंग से नेगोशिएशन के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बना. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जायटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. फ्यूचर कंट्री का प्रेजेंट के बारे में सोचकर, फ्यूचर के बारे में सोच के हमारे नेता लोग बहुत ही चिंतित थे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, एंड ऑल्सो द सेम टाइम यू हैव टू राइट व्हाट आर द मेन थिंग्स ए कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है ये भी लिखना क्वेश्चन के रूप में, ठीक है. द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते में इतना डिफिकल्टीज होने के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, देर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक एडवांटेज था क्या, अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कंसेंसस, वो लोगों के बीच में जाकर एक एग्रीमेंट लाने की जरूरत नहीं था. कंसेंसस मतलब ए जनरल एग्रीमेंट अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक, ए डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे देखना है इसके बारे में लोगों से एग्रीमेंट लेने की जरूरत नहीं था. जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ था उधर ब्लैक व्हाइट पीपल को सबको देकर रहना पड़ता था, बट इधर ऐसे की जरूरत नहीं पड़ा. क्यों, मच ऑफ द कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही लोग एक जैसा सोचते थे कि किस तरह का गवर्नमेंट बनना है, क्योंकि हमारा एक कॉमन एनिमी बाहर का एनिमी है. इस तरह साउथ अफ्रीका तो अंदर ही एनिमी था, बट हमारा एनिमी बाहर का है, तो हम किस तरह रहना है इस तरह का एक जनरल एग्रीमेंट पहले ही हुआ था. आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरन रूल, वो केवल एक फॉरन रूल के अगेंस्ट एक स्ट्रगल नहीं था. इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू रिजुविनेट, रिजुविनेट मतलब रीबिल्ड करना और एक वापस एक एनर्जेटिक इंडिया को बनाना, रिजुविनेट अ कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म और चेंज करना और सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, हमारे सोसाइटी और पॉलिटिक्स को चेंज करना, ये हमारे ऊपर एक बड़ा जिम्मेवारी. देर वॉज शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल, देर वॉज शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कौन सा पाथ अपनाना है, कौन सा तरह का गवर्नमेंट फॉर्म करना है, इस पर से ऊपर बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करते थे. सच डिफरेंस एक्सिस्ट इवन टूडे, अभी भी इस तरह का डिफरेंस है. जैसे सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्म करना है, कैपिटलिज्म को फॉर्म फॉलो करना है, या मिक्सड इकोनॉमी फॉलो करना है, ठीक है. येट सम बेसिक आइडियाज हैव कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो मेजोरिटी लोगों को लोग एग्री करते हैं, वो हमने फॉलो किया. एज फार बैक इज 1928, देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड एट अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. 1928 में मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा फादर, वो सब मिलकर एट अदर लोग मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया बनाया. इन 1931 द रेजोल्यूशन ऑफ द कराची सेशन, मीटिंग ऑफ द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट, मतलब सोचा ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक. तो इंडियन इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होना चाहिए इसके बारे में 1931 का कांग्रेस का मीटिंग में डिस्कशन हुआ. बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये दोनों मिलकर जैसे 1928 में जो फॉर्मेशन हुआ और 1931 कांग्रेस मीटिंग में जो हुआ, इन दोनों को मिलकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इंक्लूजन हुआ. व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यू हैव टू राइट व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एनीवन हु इज 18 इयर्स ऑफ एंड अबव इन इंडिया हैविंग द फ्रीडम टू वोट, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसको इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इंक्लूजन हुआ उस समय से. कॉमा राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो क्या क्या डिसाइड हुआ, इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज एनीवन हु इज 18 इयर्स और अबव गिवन द राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, सारा लोगों को फ्रीडम देना, एंड इक्वालिटी, राइट एंड इक्वालिटी, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. देश में कितना माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी रिलीजन का लोग है, उनको आपको फ्रीडम देना इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. Thus, some basic values are accepted by all leaders much before the Constituent Assembly. So, Constituent Assembly जो form हुआ था Constitution बनाने के लिए, वो बनाने से पहले ही कुछ चीजों पे हमें agreement हुआ था. That is 1928 में हुआ था,
1931 में हुआ, इन सबको मिलाकर उस समय के नेताओं ने यह डिसाइड किया कि यूनिवर्स राइडल फ्रेंचाइज इंक्लूड किया जाएगा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हो जाएगा, ये सब एग्रीमेंट हुआ था। मैट टू डिलीबरेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिलीबरेट मतलब कंसिडर करना है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसके पहले ही कुछ चीजों पर सहमति हुआ था। द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन, देखो जैसे उस समय ना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जिस तरह का यू कैन सी अभी भी लोकसभा राज्यसभा टू हाउसेस और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया है, ये उस समय बहुत सारा प्रोविंसेस हुआ करते थे, बिहार मद्रास वगैरह, उधर भी सेपरेट सेपरेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करते थे। वो सब सिस्टम जो अभी हम उस समय प्रोविंस था, अभी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और टू हाउसेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यसभा लोकसभा, ये सब सिस्टम हमें ब्रिटिशर्स से मिला है, उससे सीखा है हमने ये सब। तो उस समय जो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उसको हमने फॉलो किया, वो सब हमें हेल्प किया बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जैसे विधानसभा वगैरह उस समय प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करते थे, विधानसभा हुआ करते थे, उसको हमने उस समय का प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने अभी स्टेट गवर्नमेंट जैसा फॉलो कर रहे हैं। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, बट ब्रिटिश टाइम पे कुछ लोगों को ही वोटिंग पावर मिलते थे। ऑन दैट बेसिस ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, इसलिए उस समय वेरी वीक लेजिस्लेशन हुआ करते थे, मतलब ये लॉ मेकिंग बॉडी बहुत ही लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, जिस तरह हमारा लोकसभा राज्यसभा विधानसभा हुआ करते, उस समय बहुत वीक हुआ करते थे, क्योंकि कुछ लोगों को ही वोट करने का पावर था। अभी तो हम सबको, देश के सारे लोगों को, जैसे टू आर 18 ईयर्स एंड अबव, दोस आर इंक्लूडेड इन द वोटर्स लिस्ट, हैव द राइट टू वोट, पर उस समय ऐसा नहीं, कुछ लोगों को ही था, इसलिए लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग बॉडी बहुत ही वीक था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, जैसे मैंने बोला जिस तरह अभी स्टेट है, उस समय कुछ प्रोविंसेस हुआ करते थे, स्टेट नहीं थे, प्रोविंसेस थे, उधर इलेक्शन हुआ, जैसे बिहार, ओडिशा, मुंबई, आसाम, ये सब प्रोविंसेस थे, उधर इलेक्शन हुआ था 1937 में। एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया, दे वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। आपको मतलब डेमोक्रेसी में जाकर लोग जो रहते हैं वो वोट करना चाहिए, पर उस समय कुछ लोगों को ही पावर था वोट करने का। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप ऑफ इट्स ओन, बट उस समय भी कुछ इंडियंस को मौका मिला था इस प्रोविंस में काम करने के लिए, तो वो हमारे लिए बाद में बहुत काम आया, जब हमने खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमारा गवर्नमेंट या हमारा देश किस तरह चलना है, किस तरह का गवर्नमेंट होना है, उसका डिसीजन लेते समय इस तरह का मतलब विधानसभा लोकसभा राज्यसभा या इस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए बहुत काम आया। ये कुछ लोगों ने पहले इसमें काम करने की वजह, ब्रिटिशर्स के टाइम पे काम करने की वजह, दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया, जैसे फेडरल सिस्टम, यू नो व्हाट इज द फेडरल सिस्टम, उस समय एक फेडरल सिस्टम दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, आपको मालूम है थ्री टायर सिस्टम वगैरह फॉलो करते हैं, आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा, थ्री टायर सिस्टम मतलब गवर्नमेंट का पावर तीन में डिवाइड किया गया है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो 1935 में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाएगा, तो उस तरह का जो सिस्टम था फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसको, पावर को टू में डिवाइड करना, वो हमें मदद आया या हेल्प हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो ब्रिटिशर्स का फॉलो किया गया सिस्टम था ये फेडरल सिस्टम, जिसमें दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट वी फॉलोड दिस एंड वी implemented this, we included this in our constitution or our helping of the government also. So dear students, that's the end of today's class. Whatever things you feel it's important, write as a note and keep it in your copy, and any doubt you're having, just please message. Okay, thank you, have a nice day.